Hello friends, welcome to IFAS. Myself Himanshu, your geography faculty. So students, today we are going to talk about top producing states in India, top crop producing states in India. ठीक है, बहुत important ये topic है, because आपने कभी exam जब दिए हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा wheat कहाँ पर होता है, चार option दे दिए जाते हैं और उसमें से आपको पूछ लिया जाता है states का नाम बताइए. उस time पे confusion हो जाता है बहुत ज्यादा, उसको हम लोग आज क्लियर करते हैं. ठीक है, जैसे कि राइस कहां पर सबसे ज्यादा होता है, तो मैं लेटेस्ट डेटा आपके सामने लेकर आया हूं और हम लोग एक एक करके हर एक क्रॉप को लेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होंगी उनको लेकर आगे बढ़ेंगे. जैसे कि अपनी जो पहली क्रॉप है, जैसे कि एप्पल. ठीक है, तो जो ये एप्पल है कहां सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उस राज्य का नाम हमें जनरली पूछा जाता है, स्टेट का नाम हमें पूछा जाता है, तो वो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, जो कि अभी यूनियन टेरिटरी हो चुका है. जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर, अपने समर के अंदर समर कैपिटल, और जम्मू कैपिटल जो है वो हमारी विंटर कैपिटल है जम्मू कश्मीर. ठीक है, तो ये एप्पल सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर. उसके बाद में आता है बाजरा, जैसे आप देख सकते हो बाजरा, तो बाजरा सबसे ज्यादा होता है, एनी गैसेस? यस, राजस्थान. ठीक है, ड्राई रीजन का पौधा है. इवन उल्टा इसमें जब बारिश ज्यादा होती है तो ये जो बाजरे की, इनको अपने राजस्थानी लैंग्वेज में सीटा बोलते हैं, तो ये जो सीटा होता है ये काला पड़ जाता है, इसके दाने काले पड़ जाते हैं. तो स्टार्टिंग में जब बाजरा जब उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, तो उससे पहले जो जमीन है वो मॉइस्चर होनी चाहिए, उसके बाद सिर्फ एक दो बार इसको बारिश और चाहिए बस, उसके बाद में बारिश ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ओवर अगर रेनफॉल हो जाए तो ये खराब हो जाता है. ठीक है, तो राजस्थान कैपिटल क्या है राजस्थान की? जयपुर. ठीक है, राजस्थान के अंदर ही सबसे बड़ा विंड पावर जनरेशन, जो विंड मील होती है ना, जिससे कि हम लोग विंड एनर्जी जनरेट करते हैं, वो जैसलमेर के अंदर ही राजस्थान में है. और उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स, वो भी राजस्थान के अंदर है. ठीक है, और जयपुर है एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, अहमदाबाद पहली है और अपने इंडिया की दूसरी सिटी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी दैट इज जयपुर सिटी. ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने बताए हैं राजस्थान के बारे में जो पूछे जा सकते हैं. राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट भी है. ओके, उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है बैम्बू. ठीक है, तो जो बैम्बू है वो सबसे ज्यादा असम में होता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रो किया जाता है आप कह सकते हो. ठीक है, असम है, उसकी राजधानी क्या है बताइए? नहीं आइडियाज? नो, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं पता होनी चाहिए. डिसपुर. ठीक है, डिसपुर. उसके बाद में थर्ड नंबर पर जो आते हैं वो है बनाना. ठीक है, तो बनाना सबसे ज्यादा हमारे होता है तमिलनाडु राज्य के अंदर, तमिलनाडु. ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है. ओके, चलिए, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे मतलब जैसे अपने जो विंड पावर जनरेशन होता है, विंड पावर इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है, और जो पोटेंशियल रखता है जो राज्य आगे आने वाले फ्यूचर में वो गुजरात है. अभी के लिए सबसे ज्यादा विंड मील्स जो होती हैं उससे जो पावर जनरेट होती है वो तमिलनाडु करता है, तो ये आपको याद रखना है. और साथ ही साथ जैसे जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, जब मानसून आता है, ठीक है, और जब जाने की बारी आती है तो तमिलनाडु के कोस्ट में बहुत वर्षा होती है, और ऐसा कहा जाता है कि जब मानसून आता है तब तमिलनाडु में बारिश नहीं होती, पर जब जाने की बारी आती है, रिट्रीट होता है, तब तमिलनाडु में बारिश होती है.
विंटर्स के अंदर। चलिए उसके बाद में तीसरा है हमारा बार्ले, ठीक है। तो बार्ले होता है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ओके, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, दूधवा नेशनल पार्क। गॉट इट। चलिए ये कुछ ऐसे ही रैंडम फैक्ट्स हैं जो जो मेरे मेरे दिमाग में मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, मैं बता देता हूं आपको, है ना, इस तरह से। चलिए बार्ले के बाद में आता है तीसरा कैश्यू नट, काजू सबने खाए हैं, कैश्यू नट। सबसे ज्यादा कैश्यू नट की जो फसल होती है वो हमारी केरल के अंदर होती है, केरला, मालाबार कोस्ट के पास में है ये, मालाबार कोस्ट ऐसे मान लो केरल के पास में है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। केरला की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, लोकल लैंग्वेज में वहां के लोग इसको त्रिवेंद्रम भी कहते हैं, जिस तरह से विशाखापट्टनम है उसको हम लोग वाइजैक कहते हैं, उसी तरह से तिरुवनंतपुरम को भी त्रिवेंद्रम कह दिया जाता है। केरल मालाबार कोस्ट याद रखें वेस्टर्न कोस्ट में है, ठीक है। जो अपनी वेस्टर्न घाट्स हैं वो गुजरात से लेकर केरल तक फैली हुई हैं। चलिए और केरल से एक और चीज है कि लॉन्गेस्ट लेक, सबसे लंबा जो झील है वो केरल में ही है और उसका नाम है वेम्बनाड। झीलों के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, मैंने पूरी लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है ना। चलो उसके बाद में आती है चिलीज, मिर्ची सभी लोग खाते हैं, हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा होती है महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है मुंबई को, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा कोकोनट, कोकोनट थोड़ा गैस वर्क भी कर लिया होगा आपने अभी तक। केरल में सबसे ज्यादा ये होता है, अगेन केरला की बात हम लोगों ने कर ली, इस तरह से पीते ना हम सब लोग, और जब ये सूख जाता है तो वो जो ब्राउन वाला जो हम लोग नॉर्थ में ज्यादा आता है वो हमारे घरों में पूजा के समय ये सब काम में आती है, तो अपना नारियल जो कि केरल में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में आती है कॉटन, तो इस ये एक तरह से कॉटन का आपके सामने पेड़ है, पेड़ से लगा हुआ है बेसिकली ये, तो कॉटन जो होती है वो गुजरात में सबसे ज्यादा होती है, गुजरात, ठीक है, जिसकी कैपिटल गांधीनगर है, गुजरात के अंदर कॉटन सबसे ज्यादा होता है। और कॉटन को कौन सी मिट्टी चाहिए स्टूडेंट्स, उसको ब्लैक सोयल या फिर रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, वॉल्केनो से बनी होती है जनरली, इसलिए ये लाभदायक होती है कॉटन के लिए स्पेशली। आपको फ्री के फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, फ्री वीडियोस, रैंकर स्ट्रेटजीज और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद में हमारा आता है जो हमारी दाल होती है ना, हम लोग जो ईटअप करते हैं, ग्राम्स एंड पल्सेस, ये सबसे ज्यादा कहां होती है, तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हमारी दाल होती है और जो ग्राम्स होते हैं वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में एक सिटी है इंदौर जो कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का इसको खिताब मिला हुआ है, लगातार 3 सालों से ये क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीतती हुई आ रही है इंदौर, ठीक है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा नेशनल जो पार्क्स हैं वो भी एमपी के अंदर ही मौजूद है, 11 नेशनल पार्क्स हैं इसके अंदर। चलिए और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का जो एरिया है, जंगल जो एरिया है वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो उसके बाद में आते हैं ग्राउंडनट्स, हम लोगों ने सब लोगों ने कंज्यूम की है मूंगफली, हम लोग मूंगफली का तेल भी यूज करते हैं घरों के अंदर, तो मूंगफली सबसे ज्यादा उगाई जाती है, ग्रो की जाती है गुजरात के अंदर,
ठीक है, कौन सा स्टेट? गुजरात इज द स्टेट. देन कम्स जूट. इस तरह के देखिए आपने, जो भी हमारे घर में बोरियां आती हैं, चाहे उसके अंदर शुगर आए, जो वीट होता है वो सब आता है, तो वो हम लोग देखते हैं कि इस तरह की बोरियां बोरियों में आती हैं, तो वो जूट की बनी होती हैं. और जूट आपने सही गैस किया होगा कि वो हमारा होता है वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा. पार्टीशन, पार्टीशन से पहले बांग्लादेश भी वेस्ट बंगाल एक तरह से उसी का पार्ट था, बंगाल का ही पार्ट था. तो बांग्लादेश में और भी ज्यादा उपजाऊ जमीनें हैं, उपजाऊ जगह है जूट की खेती के लिए. अब वो पार्टीशन के बाद में अलग हो गया, तो जो जूट का जो मेन प्रोडक्शन होता था वो अभी बांग्लादेश में चला गया, इसलिए हमसे ज्यादा जो उत्पादन होता है जूट का वो बांग्लादेश में होता है. ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर होता है, अपने इंडिया की अगर बात करें. उसके बाद में आती है मेज, जो मक्का हम जिसको बोलते हैं, मक्का. तो मक्का सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश. Got it? फिर आता है हमारा मैंगो, सभी को पसंद है मैंगो. तो मैंगो कहां होता है? एनी आइडियाज? मैंगो शोवर भी होती है, कर्नाटक में जो मैंगोज होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है वो राइपनिंग के लिए. मैंगो शोवर्स, प्री मानसून रेन होती है ये. मैंगो शोवर नाम सुना है? तो मैंगो शोवर, मानसून आने से पहले वर्षा होती है, वो मैंगो को राइप करने के लिए उसमें इंपॉर्टेंट मददगार होती है वो. ठीक है, अगर वैसे क्रॉप प्रोडक्शन की बात किया जाए तो मैंगो सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर. ठीक है, उत्तर प्रदेश अगेन. फिर आता है मस्टर्ड. जैसे ये तो पीली सरसों है, ये काली सरसों है, तो सरसों सुना है हम लोगों, मस्टर्ड का ऑयल भी हम लोग यूज करते हैं, सरसों के दाने होते हैं वो भी हम लोग अलग अलग पोहा है उसके अंदर हम लोग डालते हैं, हमारी सब्जियां होती है उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं सरसों को, मस्टर्ड को. तो मस्टर्ड इज यूज्ड, मस्टर्ड इज मोस्टली ग्रोन इन राजस्थान, राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, और ये बहुत ही हेल्दी ऑयल्स में से माना जाता है. इसका जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट वाला वो थोड़ा हाई होता है, तो जलता नहीं है, जो न्यूट्रिशन होता है वो लूज नहीं करता है हाई टेम्परेचर्स के ऊपर भी. ठीक है, चलिए उसके बाद में आता है ऑनियन. हम लोग सभी लोग कंज्यूम करते हैं ऑनियन को, प्याज है जो. तो ऑनियन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर, कांदा सुना है कांदा, तो कांदा एक तरह से लोकल टर्म है. ओके, प्याज के लिए यूज होती है, अलग अलग जगह होती है. देन कम्स पैडी. ये देखो पूरी तरह से चावल नहीं है, उसके ऊपर अभी भी जो है कवर चढ़ा हुआ है, तो उसे पैडी कहते हैं. पैडी, पैडी होती है ना, जैसे ही राइस को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, जो राइस का पौधा होता है, पैडी का पौधा होता है, उसको हमने हार्वेस्ट किया, दाने निकाले, तो दाने भी निकले नहीं है, उसके ऊपर अभी कवर चढ़ा हुआ है. तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो जो डंठल होती है, स्टॉक्स होती हैं, वो भी रहती हैं, हस्क भी होता है, हस्ट स्टॉक्स, ये सारे के सारे इसके अंदर मिक्स होते हैं पैडी के अंदर. जब इसको हम लोग वॉश करके और जब वो दाना निकलता है तो वो राइस कहलाता है. तो ये पैडी और राइस के बीच में डिफरेंस है. सबसे ज्यादा पैडी होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है. याद रखिए, जो पैडी का कल्टीवेशन है वो मीथेन पैदा करता है, बिकॉज आपको पता है जो खेत होता है उसको पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है. राइस का कल्टीवेशन वैसे ही होता है, पता ही आपको. तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कि उसके अंदर प्लांट के डेड रिमेन्स हैं, पत्तियां हो गई, ऑर्गेनिजम्स हो गई, वो सारे के सारे वहां पर डिकम्पोज होते हुए रहते हैं. और जब पानी के अंदर सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो उससे क्या होगा, सॉरी, जब खेतों में से पूरी तरह से पानी पानी से भरा हुआ है, ऑक्सीजन वहां पर है नहीं, पानी के अंदर खत्म हो चुकी है, तो उससे फिर बाद में एनरोबिक रिएक्शंस होते हैं. एनरोबिक रिएक्शन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उससे मीथेन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो पैडी कल्टीवेशन मीथेन जो है उससे रिलीज होता है. बबल्स जो होते हैं राइस के खेतों में, चावल के खेतों में, नोटिस करना, वो मीथेन ही रिलीज हो रही है. उसके बाद में आता है पेपर, जो हमारा काली मिर्च जिसको बोलते हैं हम लोग. पेपर
पेपर, ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर स्पाइसेस है और ये सबसे ज्यादा होते हैं केरल के अंदर। कहां होती है? केरल में होती है। कौन? काली मिर्च की खेती सबसे ज्यादा। उसके बाद में स्टूडेंट्स काली मिर्च होगी केरल में। उसके बाद में आती है पीजन पी, अरहर की, अरहर बोलते हैं उसको हिंदी में अरहर और इंग्लिश में पीजन पी बोल देते हैं। पीजन पी ये सबसे ज्यादा होता है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो है वो ये स्टेट है। एरिया वाइज राजस्थान और पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश। वो डेंसिटी सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? वो है बिहार के अंदर। 2001 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल था और 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग वेस्ट बिहार हो चुका है, पहले वेस्ट बंगाल था, ठीक है। अब जब नया सेंसस होगा तब नई डेटा जाएंगे, तब तक हम लोग 2011 का जो सेंसस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस वहां से 100% पूछे जाते हैं। सेंसस, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ठीक है, जेंडर, जो भी और सारे के सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, फर्टिलिटी रेट, डेथ रेट, क्रूर डेथ रेट, ये सारी की सारी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो जरूर इसको याद रखना है। पॉपुलेशन पिरामिड से क्वेश्चन आया है इस बार दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशन में, अलग अलग एग्जामिनेशन है उनके अंदर। फिर है पोटेटो, सबका फेवरेट, सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे अपने फास्ट फूड में भी, पोटेटो का यूज होता है, आलू का यूज होता है। तो आलू सबसे ज्यादा होता है अगेन उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। चलो उसके बाद में आती है हमारी रागी। तो रागी का जो क्रॉप है, फसलें होती हैं, वो सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है। कर्नाटक याद रखिएगा, कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, ठीक है। उसके बाद में आते हैं राइस। पहले हमने किसकी बात की थी? पैडी की बात की थी, अब हम लोग कर रहे हैं राइस की, ठीक है। उस पैडी, पैडी के अंदर से सब कुछ जो डंठल वंठल है, जो भी सब कुछ निकल चुका है, एक तरह से प्योर जो ये राइस है हम लोग जो खाते हैं, डाइट में यूज करते हैं, वो भी वेस्ट बंगाल के अंदर ही उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है उसका। वेस्ट बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है, और कोलकाता जो पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट भी है ना, तो कोलकाता जो पोर्ट है वो नेचुरल पोर्ट नहीं, वो आर्टिफिशियल पोर्ट है, बनाया गया है, ठीक है। थोड़ा सा ये चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। उसके बाद में आता है रबर। आपने देखा होगा जब रबर का पेड़ होता है इस तरह से, इसमें बांध कर और इसको कट लगाकर इसमें फिर बाद में रबर है वो इसमें धीरे धीरे ड्रॉप 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 करके इसमें एक्यूमुलेट होता हुआ रहता है। तो सबसे ज्यादा जो रबर है, रबर की जो फसल है, वो केरल में होती है, केरल, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट वाला राज्य है केरल, याद रखिए। फिर ये आपको दिख रहा है, तो ये लार्वा है ना, और लार्वा के चारों तरफ ये सिल्क दिख रहा है, इस तरह से ये लार्वा से बनता है सिल्क। तो सिल्क सबसे ज्यादा हमारे होता है कर्नाटक में, कर्नाटक के अंदर इस तरह से लार्वा बनाता है, ये सिल्क हम लोग यूज करते हैं टेक्सटाइल के अंदर। उसके बाद में आती है सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश, ओके। देन कम्स शुगर केन। तो शुगर केन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा, जैसे चीनी बनती है, शुगर केन। फिर आता है हमारा सनफ्लावर, सनफ्लावर तेल भी निकलता है सनफ्लावर का, तो ये होता है कर्नाटका के अंदर, कर्नाटक स्टेट में सबसे ज्यादा खेती होती है, प्रोड्यूस किया जाता है सनफ्लावर। फिर आती है चाय, सबकी फेवरेट है ना। तो चाय सबसे ज्यादा कहां होती है, गैस कीजिए,
देखिए, हमेशा से पढ़ते हुए आए, टेरेस फार्मिंग होता है, इस तरह से टेरेस टेरेस के अंदर फार्मिंग होती है, ऊपर से नीचे आती है ना, प्लांटेशन के अंदर आती है ये दोनों, टी और कॉफी। तो टी का जो प्रोड्यूसिंग है वो असम में सबसे ज्यादा है, असम की टी करके बहुत बेचा जाता है प्रोडक्ट्स को, कि असम की टी है, असम की टी है, इस तरह से। ठीक है, तो असम में सबसे ज्यादा टी हो गई, फिर आती कॉफी, टी कॉफी साथ साथ भाई भाई हैं। तो ये होती है हमारी कर्नाटका के अंदर कॉफी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है कर्नाटक के द्वारा, कॉफी बीन्स। ये कॉफी बीन्स हैं, इनको क्रश करके पाउडर बना के फिर हम लोग जो कंज्यूम करते हैं। चलो, फिर बात आता है तंबाकू। जो तंबाकू होता है, ठीक है, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू ही लिख लो। तो तंबाकू तो या तंबाकू, ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है आंध्र प्रदेश के अंदर। इस तरह से पत्तियां होती है तंबाकू की। फिर बाद में आता है आईएफएस, ठीक है, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी पेपर वन, कॉमर्स इंग्लिश कंप्यूटर साइंस, दीज आर द कोर्सेज वी आर ऑफरिंग राइट नाउ, है ना। आप इनको परचेज कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो खुद को, और इनके जो फ्री कंटेंट है उनको आप देखिए, और जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम लोग करेंगे बात कि जो ये ग्रेन्स हैं आपके सामने, है ना, ये फूड ग्रेन्स है, जो हमने खाने वाले जो ग्रेन्स होते हैं। तो टोटल हम लोगों ने अभी क्या बात की है, वीट, अभी राइस कहाँ होता है, पैडी कहाँ होता है, ये सब बात कर ली, बाजरा कहाँ होता है। ठीक है, अगर हम पूरा टोटल की बात करेंगे कि टोटल फूड ग्रेन्स सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, मिक्स वाले ऐसे कह सकते हैं हम लोग, तो वो सबसे ज्यादा होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश टोटल फूड ग्रेन्स, टोटल की बात हो रही है। उसके अंदर फ्रूट्स, जैसे ये फ्रूट्स हो गए, अलग अलग मैंगो अलग जगह हो रहा है, ठीक है, ये सब अलग अलग है, बट टोटल फ्रूट की बात करें, प्रोडक्शन की, परसेंटेज की, तो टोटल जो फ्रूट्स हैं वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होते हैं। आंध्र प्रदेश, अमरावती जिसकी राजधानी है अभी के लिए। उसके बाद में आते हैं स्पाइसेस, मसाले जो हैं अलग अलग, हम लोगों ने सिर्फ अभी ब्लैक पेपर वगैरह पढ़ा है, और भी सारे मसाले होते हैं खूब तरीके के, है ना, सैफरॉन, ये वो, इसमें देखिए लौंग है, इलायची है, तरह तरह के हैं। तो स्पाइसेस के मामले में सबसे ज्यादा वो भी आंध्र प्रदेश में होता है, स्पाइसेस आंध्र प्रदेश में ज्यादा होते हैं। सबकी बात कर रहे हैं, मिक्सिंग की बात कर रहे हैं। फिर आती है वेजिटेबल्स, तो टोटल वेजिटेबल्स वो होती है वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, वेस्ट बंगाल में होती हैं, और ये मैंने लिखा है क्या, ये है टोटल स्पाइसेस। और ये है टोटल फ्रूट्स। चलो, उसके बाद हल्दी जो हम लोग यूज करते हैं, तो हल्दी टर्मेरिक ये होती है हमारी आंध्र प्रदेश के अंदर। अगेन मेन स्पाइसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और फिर है हमारा जो स्टेपल डाइट है, सभी लोग खाते हैं वीट, तो वीट कहाँ होता है, वीट भी उत्तर प्रदेश में ही होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे, कि कौन सा जो क्रॉप है सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है। यहां से क्वेश्चंस घूमते फिरते अल्टरनेटिव एग्जाम्स में पूछ ही लिया जाता है, जैसे वो नेट हो, सेट का एग्जाम हो, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी कमीशन, जो अपने पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जामिनेशन होते हैं उनकी बात कर रहे हो, सभी के अंदर ये पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, क्योंकि ये सब चीजें होती हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, कहीं पर अलग है कहीं पर अलग है, बट यू कैन रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा फॉर योर रेफरेंस फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो सी इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, इफ यू लाइक द कंटेंट, अगर आपको ऐसे कंटेंट और चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, जिस पे हम वीडियो बना देंगे। और साथ ही साथ में अगर ये अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है, जिससे कि आपको इसी तरह की जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हैं वो सबसे पहले आपको मिल जाए।